हेलो गाइस, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। गाइस, पारस सिंह को लेकर बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका है गाइस। रातों रात में एक घंटा दो घंटा पहले जो ये न्यूज़ आया है गाइस, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अरुणाचल पुलिस ने जो है इसको पारस सिंह को छोड़ दिया गया है और वह घर जा रहे हैं। अभी रात को निकल चुके हैं वो, और कोर्ट से जो है उनको बेल दे दिया गया है और उनको जेल नहीं होने वाला, और जितना जेल था उनको हो गया है। मिनिमम 14 डेज का जेल हुआ, 13 डेज का जेल हुआ है उनका, ठीक है। तो अब जो है वो घर जा चुके हैं, उनकी मम्मी को जो है राहत मिल चुका होगा अभी तक तो। और जितने भी पारस ऑफिशियल्स के फैंस हैं ना, जो यूट्यूब के फैंस हैं, सबको जो है दिल में खुशी आ चुकी होगी क्योंकि उनको जो है छोड़ दिया गया है और वो अभी घर जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब उनका एक तो इंटरव्यू निकल गया है। जाने से पहले अरुणाचल प्रदेश के जो वहाँ पे मीडिया है, मीडिया ने एक तो इंटरव्यू लिया और बहुत सारी चीज़ों का जवाब भी दिया है, ठीक है, पारस सिंह ने। तो अब देखोगे इस पूरा पूरा इंटरव्यू क्या क्या पूछा है, क्या क्या जवाब दिया है। तो आज मेल बेल मिल गया? हाँ जी सर। तो कैसा लग रहा है अभी? सर अच्छा लग रहा है सर। तो क्या कहना चाहेंगे? सर यही बोलना चाहूँगा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ना समझी में ऐसी गलती हो गई सर, नॉलेज नहीं थी। सर आगे से ध्यान रखूंगा और रिटर्न आऊंगा यहाँ पर टूरिस्ट बन के और अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये अरुणाचल सरकार अरुणाचल के लोगों के प्रति क्या कहना चाहेंगे अभी? सर अभी तक जिनसे भी मिला हूँ, पुलिस वाले हो चाहे नॉर्मल सिटीजन, जितने भी लोग मिले अभी तक मुझे, सब अच्छे ही थे जितने भी थे, और सभी अच्छे से मुझे समझाए और उन्होंने जितने भी लोग मिले सबने कुछ ना कुछ सिखाया ही। कुछ मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं अपने पंजाब से बाहर हूँ। मुझे जैसे लग रहा था कि मैं अपने ही देश मतलब अपनी सिटी में ही हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ और घर वाला ही लग रहा था। अच्छा, हाँ जी सर। और मतलब अभी तक क्या क्या सीखा, मैंने क्या क्या बताया गया था जेल में जब था, क्या क्या बताया लोगों ने? अरुणाचल के बारे में बताया कि यहाँ पर घूमने वाली काफी सारी लोकेशंस हैं, तवांग जैसे, और यहाँ पर घूमने के लिए बताया कि यहाँ घूमने आ सकते हैं और यहाँ के तौर तरीके बताए, कैसे लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या मेन डिश है वगैरह से। अच्छा पारस, ये जो पहले जो ये घटना हुआ था, जो आपने निनोंग इरिंग साहब के बारे में कुछ बताया था, तो निनोंग इरिंग साहब से आपकी बात हुई है क्या? हाँ जी सर, निनोंग इरिंग सर से वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। हाँ, उन्होंने मुझे काफी समझाया, उन्होंने भी अरुणाचल प्रदेश के बारे में काफी सारी चीजें बताई और उन्होंने बोला कि तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, तुमसे गलती हुई है, मैं सरकार से मतलब बात करूंगा कि वो तुम्हें माफ कर दे और जल्दी से जल्दी तुम्हें यहाँ से भेज दिया जाए अपने घर। अच्छा, तो पारस एक और बात है, आप जैसे बहुत सारे यूट्यूबर है पूरे देश में, हाँ, जो कि नॉर्थ ईस्ट या अरुणाचल को अभी भी दूसरे नजरिए से देखते हैं, ठीक है ना? तो आप उन यूट्यूबर्स को क्या कहना चाहेंगे? आप एक खुद यूट्यूबर है, आपके काफ़ी लाखों करोड़ों फॉलोअर है, उनके लिए, अरुणाचल के लिए मतलब आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? सर उसके लिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे भी वीडियोस अपलोड करूँगा और मैं यही बोलना चाहूँगा सबको कि यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और अरुणाचल काफ़ी सुंदर अपने भारत का एक हिस्सा है, इसे जिन्होंने नहीं देखा उनको जरूर आना चाहिए यहाँ पर घूमने के लिए, एक बार विजिट करना चाहिए। अच्छा, तो अभी फिलहाल क्या करेंगे? अभी तो रिहाई मिली है, अभी क्या करेंगे? सर अभी सबसे पहले तो मम्मी से मिलूंगा अपनी, क्योंकि मम्मी काफी बीमार है, उसके बाद ही कुछ करूंगा, उसके बाद ही सोचूंगा। अभी तो सिर्फ मम्मी का ही दिमाग में ख्याल आ रहा है क्योंकि मम्मी अकेले हैं, पापा है नहीं और मैं ही हूँ एक अकेला सहारा उनका। हाँ जी, तो कब जा रहे हैं अभी ये? सर अभी टिकट बनी नहीं है, जैसे ही बनेगी, जैसे तत्काल में कल की टिकट मिल जाए, परसों की मिल जाए या फिर अगले दिन की मिल जाए, जब की भी मिल जाए फिर निकल जाऊंगा। तो गाइस वीडियो खत्म करने से बता दो कि पारस सिंह के ऊपर मेरे चैनल के अंदर ये लास्ट वीडियो है, उनको बेल मिल चुका है और उसके ऊपर कोई भी और वीडियो नहीं आने वाला। तो गाइस मैं आप जो है पूरा न्यूज़ और गेमिंग के ऊपर वीडियो बनाते रहूंगा, तो अगर आप चैनल को न्यू तो सब्सक्राइब करते चैनल को और घंटा दबा लो क्योंकि ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियोस मैं लाते रहता हूं और आपको अपडेट करते रहता हूं। चल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।